अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 लेजर्स एंड रॉयल बैलेंस में से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाकर देनी है उसने, और साथ में उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी 2018। प्रेपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड और नॉट मेंटेन्ड बाय आरटी। ये जो इंफॉर्मेशन इसने दी है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड और नॉट मेंटेन्ड बाय आरटी, इट मींस दैट कि अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई डिस्काउंट अलाउड आ जाता है तो आपने अपनी सेल्स में से डिडक्ट करना है। आपने डिस्काउंट अलाउड का अलग से टी अकाउंट नहीं बनाना, अपनी सेल्स को डेबिट कर देना है। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाता है तो उसके लिए आपने अपने जर्नल लेजर्स में डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट नहीं बनाना। जबकि जो आपके पास परचेजेस का अकाउंट होगा, आपने अपनी परचेजेस में से उसको डिडक्ट करना है, तो अपनी परचेजेस को आप लोगों ने क्रेडिट कर देना है। ऑल राइट, जो इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में दे दी जाए आपने फिर उनको फॉलो करना होता है। अब हमारे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी हमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव नजर नहीं आएगा। दूसरी, यहां पर अगर आप लोग देखें तो उसने कहा कि प्रेपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी। अब इस सिचुएशन में अगर आप लोग देखें, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोग सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर अकाउंट्स बनाते थे, उनकी क्लोजिंग, और उनकी क्लोजिंग से आपके पास ट्रायल बैलेंस बन जाता था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे के बगैर लेजर अकाउंट्स बनाए हम लोगों ने अपने ट्रायल बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करना है। मतलब हमारा एक काम कम होने के लिए जा रहा है। क्या हमें किसी किस्म के लेजर्स एज सच बनाने की जरूरत नहीं है, और हम लोग सिंपली जाकर अपने पास ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे। अब इसके लिए क्या होता रहता है कि आप लोग ट्रायल बैलेंस का बिल्कुल मुकम्मल फॉर्मेट बना लेंगे, लेकिन आपने इससे पहले आप लोग लिखा करते थे डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। लेकिन अब डिस्क्रिप्शन के साथ ना थोड़ी सी वर्किंग के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए कि मैं अगर कोई भी अकाउंट लिखूं तो वहां पर मैं उसकी वर्किंग कर सकूं कि मैं इसमें क्या कुछ ऐड कर रहा हूं, क्या कुछ लेस कर रहा हूं, और ये बैलेंस मेरे पास किस तरह से आएगा। अब अगर हम लोग जहां पर देखें, ये आपके पास कैश बुक को सबसे लास्ट में हम लोग कर देंगे। इधर चलते हैं परचेज डे बुक, तो यहां से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपकी टोटल क्रेडिट परचेजेस कितनी है, और साथ में आपको आपके पेबल्स का पता चल सकता है। ऐसे ही है ना बेटा, पेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स, पेबल लेजर्स, लेजर्स में मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि भाई आपका पेबल कौन कौन है, इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। ट्रायल बैलेंस में आप लोग अपने तमाम पेबल्स को कलेक्टिवली लिख सकते हो, इसी तरह से अपने रिसीवेबल्स को भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कलेक्टिवली लिख सकते हो। जबकि जब लेजर्स बनाने जाओगे तो आपको सेपरेटली उनके साथ डील करना पड़ेगा। फिर लेजर्स हर रिसीवेबल का और हर पेबल का जो लेजर होगा वो आपके पास सेपरेट अकाउंट्स के तौर पर मौजूद होंगे। ऑल राइट, अब जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जाएंगे तो सिंपली यहां पर देखें ट्रायल बैलेंस, और यहां पर आ जाएगा एस एट, क्या डेट गिवन है हमारे पास 31 जनवरी 2018। इसके बाद अमाउंट्स इन रुपीस, और इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई राउंडिंग ऑफ नहीं की गई थी। डेबिट क्रेडिट, अब आप लोगों ने अपने सीक्वेंस के साथ चलना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा डाटा आया, परचेजेस। लेकिन आपको यहां से आपकी टोटल परचेजेस नहीं मिलने वाली, जबकि ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने टोटल परचेजेस लिखनी होती हैं। यहां पर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस है। क्रेडिट परचेजेस कितनी है आप लोगों के पास है?
18,000, तो आपने यहां पर जाना है, इसके बाद ब्रैकेट और यहां पर 18,000। इसी तरह यही 18,000 क्योंकि क्रेडिट परचेजेज हैं तो ये आपके ट्रेड पेएबल हैं। अब ये आपके पेएबल्स भी कंप्लीट नहीं हैं, तो आपने यहां पर वर्किंग कर देनी है 18,000। अब इसमें किसी किस्म की कोई एडिशन होगी, किसी किस्म की कोई सब्ट्रैक्शन होगी, तो हम लोग यहां पे अकाउंट फॉर करते जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट कॉलम में क्या अमाउंट लिखनी है वो सबसे एंड पर जाकर हम लोग देखेंगे, उससे पहले इनकी सिर्फ वर्किंग चल रही होगी। बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, अब परचेज डेबो खत्म हो गई, अब हम लोग चलेंगे परचेज रिटर्न डेबो। किस चीज का पता चलेगा यहां से? परचेजेज रिटर्न। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि परचेज रिटर्न का अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो परचेजेज रिटर्न का अलग से अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन परचेज रिटर्न डे बुक से आने वाली इंफॉर्मेशन का ताल्लुक भी आपके पेएबल से है, ऐसे ही है ना? अच्छा मुझे बताएं कि परचेजेज रिटर्न के केस पर आपके पेएबल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। कितनी अमाउंट से? 900 से। तो यहां पर पेएबल्स के पास आपने सिंपली 900 लेस कर देना था और अपने पास परचेजेज रिटर्न एड करनी कि हमारे पास 900 की परचेजेज रिटर्न हो चुकी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चलें। ये सेकंड बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए कितना सिंपल सा काम है ना ये, कि अब लेजर्स भी नहीं बना रहे हम लोग और सिंपली हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन रहा है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें, सेल्स डे बुक, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे यहां से कि मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है? कितनी है मेरी क्रेडिट सेल्स? 16,600, ऐसे ही है ना? और साथ में अगर आप लोग देखें ट्रेड रिसीवेबल्स सेम अमाउंट के साथ, सेल्स 16,600 एंड ट्रेड रिसीवेबल 16,600। सेल्स डे बुक कंप्लीट हो चुकी, सेल्स रिटर्न डे बुक है ही नहीं। फिर जर्नल, जर्नल 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 में जब हम लोग आए तो हमें पता चला भाई मेरे फिक्स एसेट्स और साथ में कैपिटल दोनों का अकाउंट बनाएंगे। अपने फिक्स एसेट फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे और साथ में कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा। फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट कौन सा है मेरे पास? फर्नीचर। एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैपिटल। अच्छा अब ये देखें बेटा, अगर फिक्स्ड एसेट्स डेबिट हो तो आपने फिक्स एसेट में एडिशन करनी होती है, क्योंकि एसेट की जो नेचर होती है ना वो डेबिट अकाउंट है, डेबिट नेचर अकाउंट है। तो अगर कोई डेबिट हो तो ऐड करना होगा। मतलब आपके पास फिक्स एसेट आया 300 रुपीज का, तो आपने यहाँ पे 300 लिख देने हैं। अब इसका दूसरा इंपैक्ट देखना था कि फिक्स एसेट कैसे आया, क्या मैंने पे किया? अगर मैंने पे किया हुआ होता कैश की फॉर्म में या थ्रू बैंकिंग चैनल, तो मेरे कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? लेकिन जहां पर देखें क्या चीज आ रही है, कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कैपिटल को डिक्रीज कर दो, क्रेडिट है, क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल ऐड हो जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब बिजनेस ऑनर ने अपने घर का फर्नीचर बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस के लिए अब उसका एसेट बन गया, लेकिन बिजनेस ऑनर ने दिया तो कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 300। ये बात क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स एंड परचेजेस। तो आप देखें मेरे पास परचेजेस का अकाउंट बन चुका था, मैंने रिकॉर्ड की हुई थी ना, ड्रॉइंग्स नहीं था, तो मैंने जाके यहां पर ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करनी है।
जी ड्राइंग्स डेबिट नेचर, और डेबिट ही हो रही हैं, आप ये ऐड करनी है। कितनी अमाउंट के साथ थी? 100 के साथ। परचेजेस इसके अगेंस्ट डेबिट होंगी, डेबिट हो रही है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रही है। ऐड होंगी या लेस? लेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेबिट नेचर है, परचेजेस खुद डेबिट नेचर है, लेकिन यहां पर आकर क्या हो रही है? क्रेडिट। तो फिर इनके बैलेंस के साथ क्या करेंगे? 100 रुपीज अगर अपोजिट नेचर में मौजूद हो तो लेस कर दो, अगर सेम नेचर के साथ मौजूद हो तो ऐड कर दो। क्लियर? मतलब आपने ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि कोई चीज डेबिट हो रही है तो ऐड कर दो, क्रेडिट हो रही है तो लेस कर दो, नहीं गलत बात है। अब देखो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, मैंने जाके ऐड किया क्योंकि वो खुद क्रेडिट नेचर था। ओके नेक्स्ट, परचेजेस के साथ भी रिकॉर्डिंग हो गई। नेक्स्ट एक हमारे पास कहते हैं ट्रेड डेटर्स, क्वालिटी ट्रेडर्स, रिसीवेबल, रिसीवेबल को ऐड करने जा रहा हूं, रिसीवेबल्स को ऐड करने जा रहे हैं, और हमने उसको जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट खत्म करने जा रहे हैं। सामने लिखा हुआ है रिवर्स, कि फ्यूचर में जो हमने उसको, सॉरी पास्ट में जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था अपने रिसीवेबल्स को, वो डिस्काउंट अब खत्म करने जा रहे हैं। बात समझ आ गई है? आपने बिल्कुल इसको फॉलो करना है यहां पर, कि ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड डेटर्स अगर आपके पास डेबिट हो रहे हैं तो आपने इनको इंक्रीज कर देना है, क्लियर, और अगर क्रेडिट हो रहे हो तो डिक्रीज कर दिया करो। यहां पर देखो डेबिट हो रहे हैं, इंक्रीज कर दो 150 से, और साथ में है डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले आ जाओ अपने रिसीवेबल्स के पास, रिसीवेबल्स को ऐड कर दो कितने के साथ? 150 के साथ। अच्छा अब इसका दूसरा इंपैक्ट देखो, कहते डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर दो, और डिस्काउंट अलाउड अलग से तो हमने बनाना ही नहीं था। जब डिस्काउंट दिया होगा तो मैंने सेल्स में से लेस की होगी ये अमाउंट, ऐसे ही है ना? जब डिस्काउंट दिया होगा तो सेल्स में से लेस की होगी। अब रिवर्सल है तो क्या करूं? सेल्स में जाकर ऐड कर दूंगा। ओके ओके नेक्स्ट देखें, ड्राइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर्स। तो ड्राइंग्स का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 100 में ऐड कर दें 50, लेकिन फिक्स एसेट कंप्यूटर्स नहीं है हमारे पास। यहां पर आप सिर्फ कंप्यूटर्स भी लिख सकते थे तो पता चल जाता कि हमारे फिक्स एसेट हैं। अच्छा अब अगर यहां पे जरा गौर करें ना, तो लेस वाली अमाउंट पहले आ गई है। अब कोई चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं किसी और को कैसे दे सकता हूं? तो मतलब शुरू में मैंने कोई कंप्यूटर्स वगैरह परचेज किया हुआ है जो कि भी हो सकता है मेरी कैश बुक में मौजूद हो, उसमें से कुछ लेस हो रहा है, तो आप चाहें तो -50 शुरू में ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बाद की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अदरवाइज परचेज के लिए जगह छोड़ दें और यहां पर आकर -50 लिख दें, कि भाई जो भी अमाउंट आएगी उसमें से मैंने 50 लेस करना है। अब कंप्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो मैंने जाके लेस कर दिया है कि मेरे कंप्यूटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स एबीसी एंड कंपनी एंड ट्रेड डेटर्स एबीसी एंड कंपनी, कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ऑलराइट, अब इसके नतीजे में क्या होता रहता है? इंक्रीज आता है रिसीवेबल्स और पेएबल्स में, क्या होता है? डिक्रीज, दोनों में डिक्रीज आता है, पेएबल्स भी कम हो जाते हैं और रिसीवेबल्स भी कम हो जाते हैं। कितनी अमाउंट से? 4500 से। तो आपके पास आपके पेएबल्स भी मौजूद हैं और रिसीवेबल्स भी। जी यहां तक किसी को कोई इशू? अब देखिए जर्नल, जर्नल भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, डन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैश
कैश बुक में सबसे पहले डिस्काउंट, रिसीट साइड पर जो डिस्काउंट मौजूद होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट अलाउड। और आपने ये सारा डिस्काउंट अलाउड 240, ये जितना भी आपको डिस्काउंट अलाउड मिला ये क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड करना है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड के तौर पे नहीं, रिकॉर्ड करना, सेल्स में से लेस कर देना है। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ऐसी थी, अगर इंस्ट्रक्शन ना होती तो मैं डिस्काउंट अलाउड अलग से रिकॉर्ड करता। तो यहां पर देखें, सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड को लेस कर दो, कितना? 240। ये वो डिस्काउंट था जो हम लोगों ने अलाउ किया था, और इसमें से 150 का रिवर्सल भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये देखें, यहां पर अगर गौर करें तो इसमें 150 शामिल था, किसको? क्वालिटी ट्रेडर्स को, और इसके अगेंस्ट हमने रिवर्सल रिकॉर्ड कर दिया, मतलब हमारा जो ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड है वो सिंपल 90 का है। तो आपने फुल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवानी है, यहां से फुल अमाउंट और बाद में जाके रिवर्सल, आपने डायरेक्ट 90 नहीं लिखना। ओके, अच्छा ये डिस्काउंट हमने किसको दिया होगा? रिसीवेबल्स बोला करें, कस्टमर्स में तो कैश वाले भी शामिल हो जाते हैं, रिसीवेबल, तो डिस्काउंट के अगेंस्ट रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स, तो जाएं रिसीवेबल को तो कम करें ना, माइनस। अच्छा आपने अपने रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर दिया माइनस 240, लेकिन बेटा इसके अगेंस्ट 150 का रिवर्सल भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब आपने हमने रिसीवेबल्स को 90 से ही डिक्रीज किया है जो डिस्काउंट आपने दिया। ओके, कोई इशू? नेक्स्ट देखें, इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव कितना? 100, टोटल भी यही है, कहां पे जाएगा? हमारी परचेजेस को लेस कर देगा, कितने से? और ये पहले वाला 100 कौन सा था? रिटर्न वाला। और ये वाला 100 कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें, इसका सेकंड इंपैक्ट किसके पास जाएगा? पेबल्स के पास, पेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, करो डिक्रीज कर दो, लेस 100। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक बात? मुश्किल है, ऐसी बातें ऊंचा बोला करो। अच्छा नेक्स्ट चले, अब अगर आप लोग अपनी कैश बुक को देखें ना, तो रिसीट साइड का टोटल अलग से कर रहे हैं, पेमेंट साइड का टोटल अलग से कर रहा है, और आपको बैलेंस कैरी डाउन नहीं बताता। अगर यहां पर वो आपको बैलेंस कैरी डाउन बता देता ना, मैं सेम वही बैलेंस उठाता और जाकर कैश और बैंक का बैलेंस रिकॉर्ड कर देता, लेकिन इसने अब नहीं बताया यहां पर। तो जैसे ही उसने टोटल बताया, भाई कैश एंड बैंक भी तो आपके एसेट्स हैं, आपने यहां पर लिखना है कैश बैंक, अब कैश और बैंक का रिसीट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1850 एंड 16760, 16760। अब इसमें से लेस कर देनी है इनमें से जो पेमेंट्स आपने की, तो आपने टोटल कितनी पेमेंट्स की हैं? 1230 एंड 12770, 12770। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब आपने ये चीज भी रिकॉर्ड कर ली। अब चलते हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, अब देखें, आपने कैश और बैंक के इंपैक्ट को नहीं रिकॉर्ड करना, क्यों? टोटल की फॉर्म में सारा रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपको दोबारा से कैश और बैंक के लिए ये नहीं करना कि भाई कैपिटल को इंक्रीज करो 1000 से, कैश को 1000 से, बैंक को 8000 से, ऐसा नहीं करना। कैश और बैंक आपने टोटल जाके रिकॉर्ड कर दिया है, जितनी भी रिसीट थी। अब सिर्फ ये देखो कि बाकी अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन सा अकाउंट सबसे पहले आया?
कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, एम आई राइट? कितनी अमाउंट से? 1000 एड तो जाए कैपिटल के पास, पहले से 300 मौजूद था इसके पास, ऐड करें 1000 प्लस 8000, 9000, ना कि 1800। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं हमारे पास? पर और हम लोगों ने परचेज रिटर्न पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ था। अच्छा यहां पर देखें कितनी अमाउंट का आपने जाना है और अपने पास परचेज रिटर्न प्लस 50। अब इसको पेबल में भी लिखेंगे, ऐसे ही है ना? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज रिटर्न नहीं है, ये कैश परचेज रिटर्न है। इनका दूसरा इंपैक्ट कैश के पास गया हुआ है और कैश में हम लोगों ने 1850 में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। ऑल राइट, बस इस बात को गौर से देखने, सारी परचेज रिटर्न आपके पे बस को हिट नहीं करेंगी। ओके हो गया? सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न ने जाना था और वो हमने रिकॉर्ड पहले ही कर ली थी। डन। नेक्स्ट देखें, ट्रेड डेटर्स, क्वांटिटी ट्रेडर्स, तो बेटा इससे हमारे पास पैसे आ गए। देखिए ये चीज हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे 240 की सिचुएशन में। हम लोगों ने टोटल रिसीवेबल्स को भी चार्ज कर दिया था और साथ में अपने पास अपनी सेल्स को भी हमने डिक्रीज कर दिया था। 150 दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात हुई इस अमाउंट के ऊपर, 6100 आपने अपने रिसीवेबल से रिसीव किया तो आपका रिसीवेबल कम होगा, तो ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट किसमें से? किसमें से? 6100। नेक्स्ट, सेल्स हुई आपकी 1250, सेल्स के अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे। अब जो आपकी कैश सेल्स है 1250 और इसका दूसरा इंपैक्ट बैंक अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है टोटल की फॉर्म में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही इनको रिसीवेबल्स में लेकर आना है क्योंकि ये कैश सेल्स थी, क्रेडिट नहीं थी। ओके, फिर ट्रेड डेटर्स हिमालय स्पर्शो, इससे अमाउंट रिसीव की, इट इज 90 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है 240 के साथ ही, इसको नहीं रिकॉर्ड करना आप दोबारा। देखो ये आपके रिसीवेबल्स में से लेस भी हो चुके थे 240, 150 एंड 90 दोनों ही। अब यहां पर देखें इसने हमें कितनी अमाउंट दी, 300 इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 1410 इन बैंक अकाउंट, तो आप इसके अगेंस्ट आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे। लेस करना है आपने 300 रिसीवेबल्स में से और लेस कर देना है 1410। ये बातें क्लियर? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर, ये आपको ये बैंक यहां पर आ रहा है और कॉलम है कैश का, इसका मतलब ये है कि आपने अपने बैंक में से पैसे निकलवाए और कैश में लेकर आ गए। अब कैश के टोटल में 1850 में ये 500 क्या शामिल नहीं है, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। ये पैसे कहां से आए? बैंक। तो पेमेंट साइड पर देखें, यहां पर बैंक के कॉलम है 500, तो बैंक का जो हमने ये पेमेंट साइड का टोटल लिया था 1270, कैश में ये 500 शामिल नहीं है। तो जब टोटल में शामिल हो चुका है तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट बेटा, रिसीट साइड कंप्लीट हो चुकी, अब आ जाए पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड में सबसे पहले ऑफिस रेंट पे किया, क्या आपके पास ऑफिस रेंट का अभी तक अकाउंट बनाया? जाए अपने पास लिखें ऑफिस रेंट, एंड द ऑफिस रेंट अमाउंट इज 200 एंड आपने हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को यहां पे इस तरह से लिखना है, टोटल 500 ना लिख लेना,
200 एंड 300। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसके सेकंड इम्पैक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैश और बैंक के पेमेंट्स के टोटल के साथ एडजस्ट हुआ पड़ा है। अब आपने सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट लिखने हैं। यहां पर देखें, ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया कितने का, 1500। क्या फिक्स एसेट ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट है आपके पास? नहीं है। इससे पहले आपके पास फर्नीचर और कंप्यूटर्स थे, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं थे, तो फिक्स एसेट इक्विपमेंट एंड अमाउंट इज 1500 जी। नेक्स्ट, परचेजेस परचेजेस, तो हम लोगों ने कैश परचेजेस की 650 की, कहां पे रिकॉर्ड हो जानी है? परचेजेस अकाउंट में। ऐड करूं, लेस करूं? लेस कर दूं। नेक्स्ट, ये 650 था। नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स, क्वालिटी ट्रेडर्स। भाई बैंक के इंपैक्ट को हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब आपके रिसीवेबल बेसिकली पेमेंट साइड पे नहीं आते हैं, लेकिन जहां पर रिसीवेबल पेमेंट साइड पे आया हुआ है और वो भी बैंक के कॉलम, बैंक के कॉलम में 6100। अब यहां पर क्या मुराद है? क्या हम लोगों ने बैंक से 6100 पे कर दिया आपने रिसीवेबल्स को? कैसे ही है। अच्छा, इसी ट्रांजेक्शन को आप लोग यहां पे देखें, क्वांटिटी ट्रेडर्स 6100, यहां पे बैंक से हम लोगों ने उसे रिसीव किया। बेसिकली मैंने इससे चेक रिसीव किया था 6100 का, और मैंने जब ये चेक रिसीव किया तो उसे 150 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। ये बात क्लियर हो गई? ये ट्रांजेक्शन कब हुई थी? 11 जनवरी को। लेकिन आप लोग यहां पर आए 14 जनवरी को, मुझे बैंक वालों ने कहा चेक डिसऑनर्ड। बैंक वालों ने कहा चेक डिसऑनर्ड, तो फिर क्या मैं उसको अपना रिसीवेबल नहीं बनाऊंगा? तो जब रिसीवेबल बनाऊंगा, चेक डिसऑनर की एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट। तो बेटा ये क्रेडिट इस वजह से हो रहा है कि जो हम लोगों ने 11 जनवरी को क्वालिटी ट्रेडर से 6100 का चेक रिसीव किया था, वो चेक डिसऑनर हो चुका है। तो मैंने बाय मिस्टेक, मिस्टेक ही समझ लें, मैंने 6100 जो बैंक को उस टाइम पर डेबिट किया था, वो बैंक से मैंने माजरत की है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 6100 रुपीज नहीं आ रहे। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा जब चेक डिसऑनर हो गया है, चेक रिसीव करने पर मैंने उसे डिस्काउंट दिया था और मुझे पेमेंट ही नहीं मिली, क्या मैं उसे डिस्काउंट दूंगा? अब मेरे पास कैश बुक को यहां पर डिस्काउंट नहीं आ सकता। अगर मैंने यहां पे डिस्काउंट लिख दिया इसका, बेटा ये तो डिस्काउंट रिसीव का कॉलम था, तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने उसे 150 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, और डिस्काउंट रिसीव तो आपकी परचेजेस में चला जाएगा। ट्रांजेक्शन गलत हो जाती है, चाहे ये 3 कॉलम कैश बुक ही क्यों नहीं थी। डिस्काउंट अलाउड का रिवर्सल आपने हमेशा जर्नल जर्नल में लिखना है। यहां पर आके आपने अपने पास 150 रिकॉर्ड नहीं करना। इसी वजह से हम लोग जर्नल जर्नल में आए थे और 150 की रिकॉर्डिंग 14 जनवरी को हमने इधर की थी। क्लियर हो गई अब ये बात? ये सिचुएशन समझ आ गई सब बच्चों को? गुड। अब हमने क्या करना है, अपने रिसीवेबल्स को इसके अगेंस्ट इंक्रीज कर देना है, क्योंकि हमारे पास देखें बैंक अकाउंट क्रेडिट तो रिसीवेबल, और अगर रिसीवेबल डेबिट हो तो ऐड हो जाते हैं प्लस 6100। ये देखें, ये जो 6100 हम लोगों ने यहां पे लेस किया था, वो 6100 हम लोगों ने यहां पर ऐड कर दिया। इसी तरह से ये जो 240 हम लोगों ने इसमें से लेस किया हुआ है डिस्काउंट के अगेंस्ट, इसमें 150 भी शामिल था, तो इस 150 का रिवर्सल भी यहां पर मौजूद है। क्लियर हो गई ये सारी बात? नेक्स्ट,
जी ट्रेड क्रेडिटर्स, हमने पेमेंट की बेटा, ये 100 की पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है पेबल्स में, और साथ में आपके डिस्काउंट रिसीव्ड में भी। अब क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है, 500 एंड 3400 पे एबल्स को अब मैंने पे कर दिए, तो मेरे पे एबल्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 500 लेस 3400। आई होप ये बात समझ आ चुकी होगी सब बच्चों को। रिटर्न इनवर्स क्या मुराद है रिटर्न इनवर्स से, सेल्स रिटर्न, बेटा इससे पहले सेल्स रिटर्न नहीं थी, अब आपके पास सेल्स रिटर्न आ गई, कितनी अमाउंट की, तो सेल्स रिटर्न के लिए आपने अलग से अकाउंट मेंटेन कर लेना है। सेल्स रिटर्न सिक्सटी, ये तो दो नंबर भी नहीं करने देते। फिक्स एसेट्स कंप्यूटर, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो आज हमने परचेज किए 250 के, और इसमें से हम लोगों ने ड्राइंग्स के तौर पर 50 के कंप्यूटर्स दे दिए थे, तो हम लोगों ने ये अकाउंट उस टाइम पे मेंटेन कर लिया था। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 250 में से 50 लेस हो गए, क्लियर। अगर आप लोग डेट्स भी देखें तो ये देखें, हम लोगों ने ड्राइंग्स कब की और इनको परचेज कब किया हम लोगों ने, तो पहले ये वाली ट्रांजेक्शन ही आनी थी 21 जनवरी वाली। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अकाउंट पहले से मौजूद है, ड्राइंग्स हमारे पास फिक्स एसेट्स की फॉर्म में हुई थी, लेकिन अभी कैश और बैंक अभी बाकी था, तो 101 हमने यहां से भी ले लिया। मतलब ड्राइंग्स की हर सिचुएशन को हमने अवेल किया, हमने गुड्स भी निकालनी, हमने फिक्स एसेट भी ले लिए, हमने कैश में से भी पैसे ले लिया, हमने बैंक में से भी विड्रॉ करवा लिया। ओके, और बिजनेस तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा। यूटिलिटी बिल्स 120 एंड 140, यूटिलिटी बिल्स हमारे पास नहीं थे, +140, और ये लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करनी थी। बात क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को छोड़ देना है और आ जाना है अपने ट्रायल बैलेंस के पास। ट्रायल बैलेंस में अब हम लोगों ने अमाउंट्स की कैलकुलेशंस को रिकॉर्ड कर, डेबिट क्रेडिट परचेजेस एंड द टोटल परचेजेस आर 18,450। अच्छा कौन सी साइड पर, डेबिट साइड पर, शाबाश, 18,450 अमाउंट सही सही बतानी है आप लोगों ने। ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स 8,600, क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज हैं जी, परचेजेस रिटर्न 950, क्रेडिट साइड पर इसी तरह से सेल्स, क्रेडिट साइड पर आएंगी, टोटल अमाउंट बताएं सेल्स की, ये सेल्स में 150 हमने किस चीज का लिखा, अच्छा ठीक है, कितनी 17,460। नेक्स्ट 17,760,
ट्रेड रिसीवेबल्स और वन जीरो 300 जी, फिक्स एसेट 300, फर्नीचर। इसी तरह कैपिटल की अमाउंट देखें तो 9300। अच्छा अब आपको ये पता चल रहा है कि मैं डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे चीजें क्यों क्यों लिख रहा हूं, ऐसा है ना? यस सर। चलें शाबाश, नेक्स्ट बताएं जरा। ड्राइंग्स का टोटल बताएं, 430। कौन सी साइड पर जी? नेक्स्ट आपके पास अमाउंट आ जाएगी 200। नेक्स्ट कैश की अमाउंट देखें जी, 620। कैपिटल सॉरी बैंक अकाउंट 39, 90। यस, ऑफिस रेंट 500। इक्विपमेंट 1500। सेल्स रिटर्न 60। एंड यूटिलिटी बिल्स आर, अब जल्दी से जरा इनका टोटल करें। टोटल करें शाबाश। थर्टी सिक्स थाउजेंड बुक में से देखकर बताया है। और देखिए क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल है? ऑल राइट और ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप के आज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर, लेजर की क्लोजिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एनी इशू? ऑल क्लियर? बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।